अगर घर में कुछ भी नहीं हो और सिर्फ नमकीन हो आपके पास, तो आज हम आपके लिए लाए राजस्थान की फेमस सेव टमाटर की सब्जी। विद इज लवली मॉम एंड फाउंडर ऑफ जायका का तड़का, मैं आप सभी का प्यार भरा स्वागत। मॉम, सेव टमाटर की सब्जी बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम आपको दिखाएं, और आज उसी का लाइव वीडियो है। 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, तो मॉम स्टार्ट करें। ये राजस्थान की फेमस सब्जी है। ये वाले मोटा सेव चाहिए, थोड़ा सा ठीक होता है ना वो, और थोड़ा हार्ड वाला भी। ये सेव चाहिए हमको, इसमें बेसन का सेव है ये, तो हम इसमें कोई से भी सेव ले सकते हैं। बेसन का लीजिए जो थोड़ा हार्ड हो, मतलब खाने में वो अच्छा रहेगा, ताकि जल्दी गलेगी नहीं सब्जी अपने। ओके, इधर मैंने ये पैन रख दिया है, मैं इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। आप ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में ज्यादा अच्छी बनती, टेस्टी बनती है। ये ग्रेवी वाली सब्जी है ना, और ढाबा स्टाइल है, तो घी तो डलेगा ही इसमें। या या, मैं इसमें हींग डाल रही हूँ घी के गर्म होने तक। हींग डाला है मैंने इसमें, ये जीरे डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है जो ग्रेट किया है मैंने, और ये 1 ग्रीन चिली है बारीक चॉप कर लिया। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, हाय दीपिका जी, निकिता जी, तनु, मीनाक्षी, वंदना, निकिता, नेहा, योगिता, फाल्गुनी जी, गुड टू सी यू ऑल। ये इसको हम सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसको हम मसाले को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छी खुशबू दे रहे हैं, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ताकि ये जले नहीं मसाले अपने। देखिए और मम्मी कौन सी फ्लेम पे हमें करना है? मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ मैं। ये मसाले अपने कुक हो गए हैं। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के टोमेटो, आप जितनी क्वांटिटी बने उसी हिसाब से टमाटर, मैं तो 1 बॉल ये लिया सेव, तो उसी हिसाब से डाल रही हूँ। उनको ग्रेट कर लिया है मैंने, कद्दूकस कर लिया। मॉम, योगिता जी बोल गए कसूरी मेथी आपकी फेवरेट, कसूरी मेथी क्या दिलवा दिया इसलिए सबसे पहले मैं वही डालती हूँ ताकि मिस नहीं हो जाए मेरे से। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू श्वेता जी, शिल्पा जी, सफूरा जी, गुड टू सी यू ऑल। अब फ्लेम को हम फुल कर देंगे, देखिए फ्लेम को फुल कर दिया, और टमाटर को सिकने देंगे। हाँ, टमाटर। मम्मी रेसिपी किस किस के साथ अच्छी लगती है? जैसे ये तो झटपट बन जाती है, झटपटी है, चपाती, फुलके, पराठे, किसी के साथ भी खाइए जब भी मन करे, क्योंकि घर की बनी हुई सारी सब्जियां अच्छी लगती है। एक सब्जी तो ग्रीन वेजिटेबल के साथ हम घर की बनाते ही है तो आप ये चेंज कर करके कोई सी बनाइए। थैंक यू एवरी वन फॉर योर लवली कॉमेंट्स। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड लाइव वीडियोज लेके आते हैं आप ही की जैसी मॉम्स की किचन में जाके। गारंटी ये रेसिपी भी इतनी ही टेस्टी बनेगी आपकी किचन में। क्या ये देखिए, अब ये घी छोड़ दिया है टमाटर जो मसाले ने अपना। ये देखिए बहुत ही मतलब झटपट बनती है, इसको टाइम नहीं लगता है बनने, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश कट डाल रही हूँ फॉर ए फ्लेवर। इससे क्या होता है? क्रीमी है, इससे थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है सब्जी में, ग्रेवी वाली सब्जी में। ओके, क्रीम और मलाई की जगह मैं दही डाल रही हूँ। अब इसको हम कंटिन्यूस चलाएंगे। ऑलरेडी देखिए रिच लोग खाने लग गए हैं, एकदम ढाबा स्टाइल। हाँ, एकदम ढाबा स्टाइल ये रेसिपी बनेगी आपकी, और झटपट बनती है। कोई सब्जी नहीं हो तो परफेक्ट सब्जी का ऑल्टरनेटिव है ये। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे स्वाद के अनुसार, सेव में थोड़ा ऑलरेडी होता है, थोड़ा नमक तो कमी डालिए आप, और ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं।
देखिए कितना अच्छी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप लोगों का खाने का मन कर रहा है तो लाइक शेयर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए। अच्छा आप दही नहीं डालना तो आप मलाई डाल सकते हैं इसकी जगह। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। श्योर शिल्पा जी, थैंक यू मैरियटा जी। और ये तो मैं रानू जी का कमेंट, तो मॉम मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, कभी शिद्दत से गर्मी तो कभी बारिश की फुहारे, ये सितंबर और आंटी आपकी रेसिपीज की बहारे, थैंक यू समझ से बाहर है मेरे। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। अच्छा अब इसमें मैं अब ये जो सेव है अपने मोटे, ये देखिए बॉईल आ गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ। और देखिए फटाफट बनने वाली सेव टमाटर की सब्जी 5 मिनट में रेडी है। वाओ, इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा कवर करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे इसको, नहीं तो ये क्या सेव गल जाएंगे। तो ज्यादा डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए बस आप कवर कर और फुल फ्लेम पे हम नहीं इसको सिंपल कर दिया मेरे को सेव डालने के बाद। अच्छा या सेव डालने के बाद हम इसको कर रहे हैं। देखिए अगर आपको मम्मी की रेसिपीज पसंद आ रही है तो कमेंट्स में बताइए, आपके कमेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। थैंक यू निक्की जी, राजपूत जी, हरप्रीत जी, लक्ष्मी जी, गुड टू सी यू ऑल। सेव टमाटर की सब्जी, इसमें धनिया पत्ती डाल दिए, देखिए कितनी शानदार लग रही है, ढाबा स्टाइल गर्मा गर्म सेव टमाटर की सब्जी। सर्व करिए 5 मिनट में अपने फैमिली मेंबर्स को। आज जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। थैंक यू सो मच मॉम फॉर दिस लवली रेसिपी वंस अगेन। मिलेंगे दोबारा, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।